जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्यम के 22वें अध्याय की परम पावन परम सुंदर कथा। इससे पहले आप हमारे चैनल पर श्रावण मास महत्यम के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 21 तक की कथा को सुन चुके हैं, तो 22वें अध्याय की कथा को सुनाने से पहले छोटा सा निवेदन। श्रावण मास के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आपसे निवेदन है कि इस बाकी बचे हुए दिनों में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की आप सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ति करें, क्योंकि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने स्वयं अपने श्री मुख से कहा है कि जो भक्त श्रावण मास में भगवान शिव शंकर की भक्ति करता है, पूरी श्रद्धा भावना के साथ उनकी पूजा आराधना करता है, उनके ऊपर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। तो श्रावण मास के जो कुछ दिन बाकी रह गए हैं, उन बाकी दिनों में आप प्रातः जल्दी उठें, सूर्य उदय होने से पहले उठें, भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, उसके बाद श्रावण मास महत्यम की कथा को पढ़ें या सुनें, श्री शिव महापुराण की कथा को पढ़ें या सुनें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप अवश्य करें। इतना करने मात्र से भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। तो अब 22वें अध्याय की कथा जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे विप्रवर, अब तक की कथा मैंने आपको सुनाई है, अब आपके मन में जो कथा सुनने की इच्छा हो उस बात को कहिए, मैं वही कथा आपको सुनाऊंगा। इतनी बात सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे हैं, हे प्रभु, आपने अनंत कृपा की है, जो श्रावण मास महत्यम की कथा आप हमको सुना रहे हैं, अब हमारे मन में आगे की कथा सुनने की इच्छा है। हे प्रभु, आप हमें बताएं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन कैसे पूजा आराधना करनी चाहिए। हे संकट हरण देव देव, किस विधि से व्रत तथा पूजन करें, कब उद्यापन करें, यह सब कथा आप हमें विस्तार पूर्वक सुना दीजिए। इतनी बात सुनकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, चतुर्थी के दिन सुबह उठकर दंत धावन आदि क्रिया को समाप्त करके पुण्य दाता शुभ संकष्ट हरण नाम का व्रत स्वीकार करें। हे देवेश, आज मैं चंद्रोदय तक निराहार रहूंगा, आपकी पूजा कर भोजन करूंगा, मेरे संकट को आप हटावें। हे वेधात्र, इस प्रकार संकल्प करके काले तिलों से नहा करके तथा सब आनिक कार्य करके भगवान श्री गणपति जी महाराज जी की पूजा करें। जो भक्त श्री गणेश जी महाराज जी की श्रद्धा भावना से पूजा आराधना करते हैं, उनके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। बुद्धिमान भक्त 3 मासा, 1.5 मासा या अपनी शक्ति के अनुसार सोने की प्रतिमा बनवाएं। सोने के अभाव में चांदी या तांबे की मूर्ति बनवा सकते हैं। एकदम दरिद्र हो तो रमणीय मृतिका की प्रतिमा पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर कपड़े के सहित कलश का स्थापन करें, जल से भरकर उस पर पूर्ण मात्र तथा प्रतिमा रखकर 16 उपचार द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करें। हे विप्रवर, तिलयुक्त श्रेष्ठ 10 लड्डू बनाएं, उनमें से 5 गणपति जी महाराज जी के लिए निवेदन कर दें, भक्ति द्वारा देवता की तरह उस ब्राह्मण की भी पूजा करें, यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करें। हे विप्रवर, हे देव, आपको नमस्कार है, आपके निमित्त इन 5 लड्डू को फल तथा दक्षिणा सहित देता हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, आप इसे स्वीकार करें, आप इसे ग्रहण करें, आपत्ति से मेरा उद्धार करें, जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक किया है, हे विप्र रूप गणपति जी महाराज, वह सब आपकी कृपा से परिपूर्ण हो जाए। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात सुस्वाद अन्नों द्वारा ब्राह्मण को भोजन करा दें, चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस तरह विधि से व्रत को करें तो भगवान गणपति जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि गणपति जी महाराज सर्वप्रथम पूज्य देव हैं, इसलिए उनकी पूजा करना
सबसे पहला कार्य होना चाहिए। और चतुर्थी का दिन तो विशेष रूप से गणपति जी महाराज जी का दिन है, इसलिए मनुष्य को जो भी मनोकामनाओं की पूर्ति करवानी हो, जो भी मनुष्य के मन में इच्छा हो, वो सब गणपति जी महाराज जी के आगे कह देनी चाहिए। जिसके ऊपर गणपति जी महाराज जी की कृपा हो जाती है, उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। मनुष्य अगर कोई भी कार्य शुभारंभ करने से पहले गणपति जी महाराज जी का श्रद्धा भावना से पूजन करते हैं, श्रद्धा भावना से आराधना करते हैं, उनके ऊपर गणेश जी महाराज जी की कृपा बनी रहती है। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, इस प्रकार गणपति जी की प्रसन्नता के लिए ये व्रत करना चाहिए, इसका विधि सहित मैंने आपसे वर्णन किया है। तो इस प्रकार श्रावण मास महत्म के 22वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। श्रावण मास के बाकी बचे हुए दिनों में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास के सभी नियमों का पालन करें, भगवान की कथा सुनें, श्रद्धा भावना से भगवान के मंगलमय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा सदा अपने भक्तों पर बनी रहती है। आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आप सब पर भगवान की अनंत कृपा बनी रहेगी, यही भगवान ने आज की इस कथा में कहा है। और साथ में गणपति जी महाराज जी की महिमा का वर्णन किया है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।